एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन CS में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यपुस्तिका वाटिका कक्षा 5 पाठ 21 रघुकुल रीति के वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? इसका उत्तर है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो शब्द दिए गए हैं और प्र उपसर्ग जोड़ के इधर लिखा हुआ है। जैसे क्रिया तो प्रक्रिया, सिद्ध प्रसिद्ध, काशित प्रकाशित, यत्न प्रयत्न, बल प्रबल, हार प्रहार, चार प्रचार। अगला प्रश्न, असंगत शब्दों पर गोला बनाइए जो अलग हैं। जैसे अयोध्या सूरत वन प्रयाग, तो अयोध्या सूरत और प्रयाग शहरों के नाम है और वन इनसे अलग है, तो इस पे गोला बना देंगे। अगला है, विश्वामित्र वशिष्ठ दधीच दशरथ, तो ये तीनों ऋषि मुनि हैं और ये राजा हैं, तो ये अलग हैं। अगला है, द्वारपाल राम लक्ष्मण भरत, ये तीनों भाई हैं और ये अलग है। शांत संवाद सन्नाटा चुप, तो शांत सन्नाटा चुप ये सब एक जैसे शब्द हैं और संवाद अलग चीज है। अगला, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो ये शब्द इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको सही करके लिखना है। राज्य अयोध्या था राजा में दशरथ का, तो सही करेंगे अयोध्या राजा दशरथ का राज्य था, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। बिजली राजा पर गिर जैसे दशरथ पड़ी, तो इसको बनाएंगे राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। अगला, दोबारा संज्ञा शून्य पड़े होकर गिर, तो इसको करेंगे संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। अगला, कोई ने व्यक्त की नहीं प्रतिक्रिया विश्वामित्र महर्षि, तो सही करेंगे महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो यहाँ ये विकल्प दिए गए हैं, इससे इसको पूरा करना है। आप अपने तो ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें, राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, रघुकुल की यही रीति है। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए, तो ये घटनाक्रम आगे पीछे दिया हुआ है और इसको सही करके यहाँ लिखा गया है। पहले लिखेंगे अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था, फिर दूसरा लिखेंगे एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा, तीसरा राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। अगला, मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। अगला, राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। इस तरह से क्रम को व्यवस्थित कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग करना है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तो करेंगे इसको मोहन ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अगला, बात बिगड़ना, राधा को अपने भाई की उपस्थिति से बात बिगड़ने का डर था। अगला है, मन खिन्न होना, इस घटना से मेरा मन खिन्न हो गया था। अगला है, वचन पूरा करना, मुझे अपना दिया हुआ वचन पूरा करना है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न, राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया?
उत्तर है, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? अगला प्रश्न, गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया? इसका उत्तर है, गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, रघुकुल की यही रीति है, प्राण देकर भी वचन को निभाया जाता है, अतः आप राम को राम की चिंता ना करें। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ के आधार पर लिखना है, राम की माता तो उनका नाम कौशल्या, राम के पिता दशरथ, राम के भाई लक्ष्मण, राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र, राम का कुल रघुकुल, राम का राज्य अयोध्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है तो इधर शब्द है, इधर विलोम लिखना है। ज्येष्ठ तो इसका विलोम कनिष्ठ, आशा निराशा, कठिन सरल, चिंतित निश्चिंत, अपूर्ण पूर्ण, खिन्न इसका प्रसन्न या मुदित। इस तरह से इस पूरे वर्कशीट को कर सकते हैं।